अगर हमें ब्याह से पहले टिंकल जी के बारे में पता होता तो हम खुद ही सोमजी से ब्याह नहीं करते। दिल टूटने का दर्द क्या होता है सासुमा, हम अच्छे से जानते। अरे अब तो हमारी पसंद के बारे में भी जान चुकी हो, अब सुधार लो अपनी गलती, चली जाओ यहां से। अब नहीं सासुमा, अब हम सोमजी की पत्नी हैं, हम अपने और सोमजी के बीच में हवा को भी नहीं आने देंगे। हवा मतलब हम? अरे इसका मतलब तुम हमारी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने में हमारी मदद करने के बजाय हमारे खिलाफ खड़ी होगी। नहीं सासुमा, आपकी इच्छाओं के मामले में हम आपके साथ ही हैं। बस हम सोम जी को किसी और के साथ नहीं बांट सकते। सोम हमारा बेटा है, वो के लिए का अच्छा का बुरा ये फैसला हम करेंगे कि तुम? लेकिन वो हमारे पति भी हैं और ये रिश्ते को कैसे बचा रहा है ये हम अच्छे से समझ गए हैं सासुमा। सोम जी को हमें बताना होगा कि वो हमारे होते हुए किसी पराई औरत के साथ कैसे घूम सकते हैं, हमें बिना जान, वो भी हमें बिना जानकारी के, हमें बिना इजाजत के हैं। भैया इतनी बहस तो आज तक हमारी सास हमसे नहीं की, तुम एक बहू होकर कर रही हो। बात बहस की नहीं, सही और गलत की है सासुमा। का सही और गलत? रेखा तुम गलत और हम सही, बस बात खत्म। सोम को ज्यादा परेशान किया ना तो शमशान का रास्ता भी नहीं देख पाओगी, यहीं चला के मार देंगे तुम्हें। तुम हमारे सोम की खुशियों से जलोगी। ये ऑन किया का? अरे का कर रही हो? पतो का बात है? कंचन अम्मा आदत को हम भी जानती हो का? मतलब तुम तो हमारी आदत जानती हो, हम किसी पर दबाव नहीं डालते। बहू बहू तुमको नहीं बताना तो कोनो बात नहीं, कोनो बात नहीं, चलो अम्मा कोनो बात नहीं। तो किसको गए, किससे बात कर रही हो तुम? रेखा ने बोला हमारा नाम लिया ना तो ई बात तुम्हारी अम्मा भाऊजी भाई सबको जेल में डलवा देंगे, समझी? कंचन गौरा को चुप खड़े देखती है। कोनो बात नहीं, मत बताओ कुछ भी। गौरा अरे बुआ जी हम तो अपने आप से बात कर रहे थे। हम समझ गए तुमको खुद का संगत बहुत पसंद है, अच्छा है। सोम जी की नाराजगी को लेकर बहुत ही परेशान है तो बस खुद से ना बातें बनाने लग जाते हैं। तुम्हारी बातें बन गई हो तो अब कुछ खाने को भी बना लो, बहुत भूख लगी है। जी वो हम ना अभी खिचड़ी बना देते हैं, खिचड़ी जल्दी बन जाएगा। ठीक है बनाओ। ए चौथी पास, खिचड़ी बर्तन में ही बनाना, अपने दिमाग में नहीं, समझी? हंस के चली गई, हंस के चली गई, हंस के चली जाती है बस।